तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गणित व्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है और ये देखो चाय बना रही हूँ और साथ साथ में योगा भी कर रही हूँ। इधर ये आज का दूध है, ये कल का दूध है और ये चाय है ताज़ा दूध की, और ये मेरे लिए कॉफ़ी है और तनों दनों के पापा के लिए चाय है। ये दोनों कप खाली हैं, इसके अंदर चाय बनाऊंगी। और मैं पट्टी के ऊपर बैठ करके सुबह सुबह ऐसे पैरों को हिलाती हूँ ताकि घुटनों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बना रहे। तो सुबह सुबह मेरा ये टाइम होता है, ये एक्सरसाइज सुबह सुबह मैं करती रहती हूँ। तो बने रहना ब्लॉग के साथ में। तो भाई साहब, आज लाई हूँ मैं हंडी और अभी रास्ते में हूँ। देखो हंडी लेके आई हूँ, वहाँ पे भी दिखाना था लेकिन भूल गई, क्लिप बनाई नहीं। ये देखो हंडी लाई हूँ मैं और इसमें बनाऊँगी मैं दाल, क्योंकि आजकल है ना ट्रेंड चल रहा है हंडियों में दाल बनाने का। देखते हैं, सब्जी भी बन जाएगी इसके अंदर और ये अच्छी रहती है बहुत, यूँ कहते हैं। तो आज अब चला करके और गैस पे, पहले तो इसको पानी में भिगोना पड़ेगा, 24 घंटे तक पानी में रहेगी, उसके बाद दूसरे दिन इसको निकालेंगे, उसके बाद इसके अंदर सब्जी बनाएंगे। बने ना, दिखाऊंगी आपको किस तरह से क्या कैसे बनाएंगे इसके अंदर। भर लिया बाल्टी के अंदर पानी और इसको अब इसके अंदर डुबो देते हैं 24 घंटे के लिए। देखो इस तरह से हम इसके अंदर डुबो के लिए निकलेंगे। ये देखो आवाज़ आ रही है, ये देखो चारों तरफ से, ये देखो डबोकले निकले, बुलबुले डबोकले नहीं बुलबुले। ये देखो अब इसको 24 घंटे के लिए रख देते हैं। देखो इसके अंदर से बुलबुले निकल रहे हैं, देखो ये देखो। अब मैं 24 घंटे बाद यानी कल के व्लॉग में दिखाऊंगी आपको किस तरह से इसको काम में लिया। पहले मैंने इसको भिगो दिया है पानी के अंदर, अब इसको रख दूँगी 24 घंटे के लिए बाहर इसके अंदर पानी के अंदर, फिर उसके फिर बाद में दिखाऊंगी आपको क्या प्रोसीजर करना आगे। एक साड़ी की फोल लगाई थी और लेके अभी कल इसका ब्लाउज सिला था और अब फोल लग रही है और इधर लाइट चल रहा है। थोड़ा सा मैंने कहा इसका वीडियो बना लेती हूँ इस तरह से, ये मैं बैठी हूँ यहाँ पे, दिखाती हूँ आपको। इधर ये कलर अच्छा लगता था साड़ी का, तो मेरे को कई दिनों से सोच रही थी इसको फोल लगाने की, तो मैंने आज फाइनली लगा ही ली है और एक दिन पहन के भी दिखाऊंगी। तो बने रहना ब्लॉग के साथ में। तो अब शाम को बज रहे हैं 4 और मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो थोड़ी सी मैंने ये नींबू की चाय बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने चाय पत्ती डाल दी और जो चीनी है थोड़ी सी वो डाल दी है, पानी डाल दिया। अब बस इसको छान करके और इसके अंदर नींबू डाल के पीऊँगी। देखना इस तरह से सर में दर्द होता है मेरा जब भी, तो मैं नींबू की चाय ही बनाती हूँ। अब इसके अंदर नींबू बन गई कुछ ज़्यादा, मेरे को इतनी नीची है भरा हुआ कप हो गया, बस इतनी सी चाहिए। अब इसके अंदर नींबू डाल लो, बस ये नींबू की चाय होगी। इससे सर में दर्द बड़ा आराम आता है और मैं अक्सर ऐसे ही यही वाली चाय पीती हूँ। अब पीऊँगी मैं नींबू की चाय, मेरे आज सर में दर्द हो रहा है, ये देखो ये रही। और इसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने, अदरक वदरक ये मुझे अच्छी नहीं लगती है, सिर्फ पानी है और पानी में चाय पत्ती डाली है और चाय में जब वो बॉयल हो गई उसके बाद नींबू डाल दिया, बस इतना सा काम किया है। तो आज का वीडियो तो ऐसा ही बना है, तो आप एडजस्ट करने की कोशिश करना। इसके थोड़ी सी लेस फोल बच गई है, बाकी हो गई, इसका काम हो गया है। ये देखो बस थोड़ी सी बची है, तो ये लगाऊँगी मैं कल, क्योंकि अब हो गया खाने का टाइम। और अब दिखा देती हूँ आपको मटकी का हाल। मटकी का हाल कुछ इस तरह से हो गया है, देखो और बैठ गई है नीचे, ना बुलबुले उठ रहे हैं इसके अंदर। तो अब इसको हो गए करीब 7 घंटे हो गए,
और कल सुबह इसको देखेंगे, फिर दिखाते हैं कल सुबह। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ, और क्योंकि आज एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसा ज़्यादा अच्छा नहीं बना है वीडियो, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी आप बताना। और कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और बहुत अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करना, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो। मैं मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको जो भी जैसा अच्छा लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आज अच्छा नहीं बना ज़्यादा मेरे हिसाब से, और मैंने पूरी कोशिश करी है, लेकिन आज जो हांडी वाला है, जो तरीका है अपन किस तरह से उसमें दाल बॉईल कर सकते हैं और जो सब्जी है वो बना सकते हैं, वो मैं कल का आगे का इसका प्रोसीजर और है थोड़ा सा, वो फिर मैं करके आपको बताऊंगी। और आप भी कोशिश करना कि इन चीज़ों में हम अपने जैसे वो संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें एक सहयोग होगा। तो आप देखना किस तरह से अपन इसको आगे और बनाते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये इसको 24 घंटे के लिए भिगोया है, फिर इसको आगे आगे एक दिन और रखना है, उसका प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप बने रहना ब्लॉग के साथ में, अगला ब्लॉग ज़रूर देखना, वो आएगा फैंटास्टिक ब्लॉग कल का। तो ये हो गया अपना 10वां वीडियो, चैलेंज वीडियो, 10 वीडियो हो गए हैं, तो बने रहना चैलेंज के साथ में, मेरे साथ और पूरा सपोर्ट करना।